हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने सिंप्लीफिकेशन में आगे के क्वेश्चन के। ठीक है, तो क्वेश्चन 50 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। देखते हैं 51 में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, मेरी स्क्रीन नीचे पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला, वह सबसे छोटी संख्या जिससे 20184 को गुणा करने पर, जब भी कभी गुणा वाला फैक्टर निकालने होंगे, जब भी कभी गुणा वर्ड आ जाता है तो फैक्टर निकालो बस। तो 20184 एंड इसे सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 2 मतलब 10, 2 9 18 एंड 2 2 4। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली, ये 2018, एक जीरो और आएगा, 2018 का कितना हो जाएगा 1009 और 92। ठीक है, अब इसे दोबारा डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 10 जीरो, 2 से इसे काटेंगे, 2 4 8 और फिर 2 6 12। ठीक है, जीरो थोड़ा सा संभल कर चलना है यहाँ पे, 2 से दोबारा काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 2 2 9 4, 2 3 6 दोबारा काटेंगे, 3 से कट जाएगा, हाँ 3 से 3 8 24, 3 4 12, 3 1 3 841। अब ये किससे जाएगा, 8 4 12 और 1 13, मतलब ये 13 किसी से नहीं जाएगा, ये कोई बड़ी संख्या से। ओ, ये होता है देखो, 30 का 900 होता है, 29 का वर्ग होता है, ये कितने का वर्ग होता है, 29 का वर्ग होता है 841, तो 29 से कितनी बार जाएगा, 29 टाइम्स। अब यहाँ पे 29 से एक बार और काट देंगे, ये हो गया हमारा फैक्टर निकला है। तो देखो, ये तो वर्ग बन रहा है, ठीक है, ये भी वर्ग बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ग कौन कौन सा नहीं बन रहा भाई, ये वाला वर्ग नहीं बन रहा, ये वाला बन रही, तो मतलब 1 2 का मुझे चाहिए, इसमें 1 चाहिए मुझे, 3 का 1 2 का चाहिए, 1 3 का चाहिए। अगर मैं टोटल एक ही डिजिट का मल्टीप्लाई करूँ तो 6 का कर सकता हूँ क्या, हाँ बोलो। तो मल्टीप्लाई 6 का अगर हम कर देंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 51 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा, जिसकी कमी होगी हम सिर्फ उसी का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसमें 29 एक होता तो 29 का भी कर देते, अगर 2 का एक और कम होता तो एक और कर देते 29, या फिर 3 का एक और, या कोई भी डिजिट कम होगा तो आपको अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 कम था तो मैंने अपनी तरफ से कर दिया, 3 कम था तो मैंने अपनी तरफ से, लेकिन टोटल मिला के देखो तो 3 2 6 मतलब सीधे सीधे 6 का मल्टीप्लाई कर दो ना। ठीक है, चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 की कहानी देखते हैं क्या दिया हुआ है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहे हैं। 52 में बोला है मुझसे, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 0.000326 में से घटाने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 326 के पास एक वर्ग होता है और वो 324, और जो कि किसका होता है, 18 का होता है। तो इसका मतलब ये 326 में से अगर मैं 2 घटा दूँ तो हमारा 324 मिलेगा, और 324 जो है कितने का होता है, 18 का होता है, कितने का होता है, 18 का होता है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है उसमें से 0.000 कितने जीरो देख लीजिएगा, 1 2 3 3 2 6, अब कितना है 3 2 6। अब देखो इसमें से मैं कितना घटा दूं कि वर्ग बन जाए, तो कितना घटाना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है इसमें एक आपको वर्ग पता होना चाहिए, और 0.000324 एक परफेक्ट वर्ग होता है, 324 18 का वर्ग होता है कितना, 324। ठीक है, तो इससे आपको पता होना चाहिए, कम से कम 30 तक तो याद ही होनी चाहिए। अब क्या करना है, सिंपली माइनस करना है, तो कितना बचेगा, 0.10203040502, ये क्या हो जाएगा मेरा परफेक्ट आंसर, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है, कुछ नहीं है, सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट से नोट कीजिएगा। चलते हैं फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 53 की ओर, जो कि आप लोगों का हो सकता है डाउट, कोशिश करूंगा कि इस डाउट को क्लियर कर पाऊँ, और अगर क्लियर हो जाए तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है वीडियो अच्छी है या बेकार, आप लोगों के अगर डाउट क्लियर होते तो प्लीज़ लाइक और शेयर अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, 53 क्या बोल रहा है, किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। 16a² - 12a, एक व्यंजक दी गई है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, 16a² -
12a। अब देखो यहाँ पर व्यंजक है तो कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा होगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। बन रहा हो तो अच्छी बात है, कितनी संख्या जोड़ी जाए, अब इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। अब कितनी संख्या जोड़ी जाए जिससे क्या हो जाए, वहाँ एक पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। अब यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर बनेगा क्या भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है, तो यहाँ पर बन जाएगा क्या a माइनस बी का, क्योंकि माइनस का साइन है इसलिए। आप कैसे बनेगा वो ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कौन सी संख्या जोड़ी जाए ये तो जोड़ने वाली हो गई है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए वो तो ये हो गई। माइनस का साइन इसके साथ है तो मतलब ये बराबर होगा किसके, माइनस टू ट्वेल्व ए के, ठीक है, क्योंकि माइनस इसमें भी है और माइनस इसमें भी। ए क्या हो गया फिर, ए हो गया हमारा कितना 16 ए स्क्वायर, ये क्या है मेरा ए है और ये क्या है मेरा माइनस टू ए बी, माइनस टू ए भी हो गया। अब यहाँ पर माइनस टू ए बी तो है लेकिन बी की वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी, चलो देखते हैं b की वैल्यू निकल आएगी उसका स्क्वायर कर देंगे, ये हमसे पूछा गया है, बस इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ नहीं करना। तो a स्क्वायर की वैल्यू ये दी गई है, लेकिन हम इसे अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 4 चौक 16 मतलब 4a का होल स्क्वायर, 4a का स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस b आपको पता है क्या, नहीं पता ना, बी तो भाई हमें नहीं पता, निकालना है तो बी स्क्वायर हमें निकालना है माइनस का 2, a कितना है मेरा, अब उधर ध्यान मत देना, 2a कितना है मेरा, a देखो ये है तो लेकिन ये a का स्क्वायर है, इसे स्क्वायर करो, ये जो वैल्यू है वो a स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 4a, ये जो अंदर लिखा हुआ वो ओनली a है और बाहर वाला जोड़ लेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो सिर्फ मुझे तो a चाहिए ना, तो a कितना है 4a, इंटू कर दिया मैंने 4a, ठीक है। अब लेकिन याद रखना ये जो वैल्यू है, अब इसमें b भी है, अब b का मल्टीप्लाई ऐसा करना है जिससे ये पूरा, जिससे ये पूरा मिलाकर कितना आ जाना चाहिए 12a आ जाना चाहिए, कितना आना चाहिए 12a। तो अब कीजिए, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाई, 12a लेके आना है, तो मतलब ये कि यहाँ पर देखो 4 3 12 3 अगर मैं ऊपर का गुणा कर दूँ, 4 3 12 हो गया नीचे, अब ये 2 एक्स्ट्रा है ना, 4 3 12 हो गया और 12 2 एक्स्ट्रा है तो बट्टे में 2 ले जाओ, तो इस 2 से अगर मैं ये 2 काट दूंगा तो इधर ये फाइनल बचेगा कितना, ये बचेगा मेरा कितना माइनस का 12a, यही तो बचेगा, 2 से 2 काट दूंगा, 4 3 12 और 12a बच रहा, तो बिल्कुल ये तो वेरीफाई हो गया, और माइनस का ठीक है। अब यहाँ पे ये था 2, ये था a, ये था b, तो मतलब b की वैल्यू मिल गई हमें, b की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें जो निकालनी है वो जोड़ने वाली संख्या b स्क्वायर है, तो 3/2 और 3/2 का कर देंगे स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो 9/4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे ए स्क्वायर हमें दिया गया है क्वेश्चन में, तो सीधी सी बात है उसमें ए की वैल्यू 4a हो जाएगी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर एंड बाकी कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल है, ठीक है, कुछ नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, सीधा सीधी सी बात है, ठीक है, इसमें ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, 2ab की वैल्यू इसके बराबर ही आनी चाहिए, तो 2 × 4a। आप कुछ बच्चे बोल रहे होंगे 3/2 ही क्यों लिया, तो इसका रीजन सिर्फ कुछ नहीं है, अपने माइंड यूज़ करना, और अपना माइंड यूज़ करते हुए यहाँ पे ऐसी संख्या रखनी है जिससे ये पूरा जो कैलकुलेट होगा ना वो इसके बराबर आना चाहिए, बस चाहे कुछ भी करो इसमें, ठीक है, चाहे कुछ भी करो। तो यहाँ पर मैंने किया ऊपर 3 का गुणा, तो मैंने देखा कि 2 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो मैंने इस 2 को हटाने के लिए नीचे बस भाग दिया, तो क्या होगा, इससे ये कट जाएगा और बचेगा क्या माइनस का 12, अपना वेरीफाई हो गया, ठीक है, वेरीफाई हो गया, तो 3/2 क्या हो जाएगा मेरी, वही बी की वैल्यू होगी, क्योंकि 2ab बी की वैल्यू 3/2 का स्क्वायर किया 9/4, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उम्मीद करते हुए आपका क्लियर हो चुका होगा, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, सिंपल ईजी क्वेश्चन है। चलो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 की ओर, ठीक है, अब तो लाइक ठोक दो भाई, इतना टाइम मत लगाया करो यार। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, 54 क्या बोल रहा है, हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है, देखिए, किसी धन पूर्णांक तथा उसके वर्गों का योग दिया गया है 24 50, तो धन पूर्णांक है तो वो संख्या कौन सी, किसी धन पूर्णांक मतलब एक संख्या और उसके
और उसके गुणांक बोला है, क्या बोला है, किसी धन पूर्णांक तथा उसके वर्गों का योग, तथा उसके वर्गों का योग, तो मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिया गया है 2450, देख लीजिएगा ध्यान से 2450 ही होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू, अब हमें फाइंड आउट करनी है एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। तो निकालने के लिए एक्स स्क्वायर है, तो मतलब इसका ये है कि मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ, वो क्या कर सकता हूँ भाई बताइए, क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक्स है और ये है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स और एक्स स्क्वायर, इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वन, बोलो हाँ, बोल दो भाई हाँ कि नहीं, जो लोग ना बोल रहे हैं वो यहाँ पर आ जाए। देखो x मैंने कॉमन लिया, x प्लस वन लिख दिया, अब देखो x का मल्टीप्लाई x में करूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बन जा, इसका एक बार इसमें होगा एक बार इसमें होगा तो x बन जा x, तो क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ही, तो भाई कुछ और थोड़ी ना लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो चुका है, चलो तो ये हो गया 2450। अब यहाँ पर देखो एक बात देखो, x की वैल्यू अगर मैं 5 रखूँ तो ये कितनी हो जाएगी 6, मतलब ये संख्या लगातार है, x x प्लस वन एक्स प्लस टू, ये तो लगातार सीरीज होती है, ठीक है, क्रमागत। तो यहाँ पर देखो अगर मैं 7 मारूंगा तो ये 8 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये इसके नियर अपने माइंड को लेके जाओ, कैलकुलेट नहीं करना, इसके पास में क्या होता है, कितने का फर्क है ये 50 का, 50 का होता है कितना, 50 का आपको पता होना चाहिए, 25 2500 हो जाएगा, 50 का होता है 2500, तो मतलब 50 से कम होना चाहिए भाई, 2500 से कम है ना, 50 का वर्ग देखो अपने माइंड से, मैंने देखा कि 50 का स्क्वायर होता है कितना 2500, तो 2500 से तो कम है, तो मतलब कहीं ना कहीं x की वैल्यू कितनी होगी 50 से कम होनी चाहिए, मतलब 49 के आसपास, 49 48, चेक करके देख लेते। तो अगर x की वैल्यू अगर मैं 49 ले लेता हूँ, 49 में गुणा कर लेता हूँ, 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा नेक्स्ट वैल्यू 50, और इक्वल टू हो जाना चाहिए इसके बराबर, अगर इसके बराबर गुणा आ गया तो मतलब वेरीफाई, तो मतलब वो में से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49, तो 0 का 0 हो गया, 5 नम 45 की 5 हो गया, 4 कैरी, 5 चौके 20 और 4 24, तो मतलब 2450, अपने मजे आगे भाई, हमें वैल्यू मिल चुकी है, तो मतलब इसमें जो आंसर हो जाएगा x का वो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 49, समझ गए, बिल्कुल कुछ नहीं है इसे पूरे को सॉल्व करने से, अच्छा है कि आप थोड़ा सा माइंड यूज करें और सिंपली क्वेश्चन सॉल्व कर लें, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 49, मतलब देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगर उसका वर्ग पूछता तो हमारा कितना हो जाता, एक्स स्क्वायर कर लेते और कुछ नहीं, ठीक है। चलो तो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 55 की ओर, 55 क्या बोल रहा है और किस प्रकार से सॉल्व करना है देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे, बस ईमानदारी से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं जी, 55 में क्या बोला है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग जो 16 20 24 से प्रत्येक से विभाजित हो, किस किस से विभाजित हो, 16 20 और 24 से विभाजित होनी चाहिए, तो इसमें तो भाई ऑप्शन में डिवाइड करके देखना पड़ेगा, बिना ऑप्शन के हो नहीं सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना है, 1600 है, पहला ऑप्शन कितना है 1600, सेकेंड ऑप्शन 3600 एंड थर्ड ऑप्शन, थर्ड है मेरे पास 6400 एंड फोर्थ ऑप्शन है मेरे पास 1440 1440। अब क्या करना है, इनको डिवाइड करके देखना है, तो सबसे पहले देखो इनमें से अगर मैं इन तीनों से विभाजित होनी चाहिए ऐसी संख्या, सबसे छोटी चाहिए, इन तीनों से विभाजित होनी चाहिए, तो देखो या तो इनका एलसीएम ले लो या फिर इनका HCF निकाल लो, तो HCF अगर मैं देखूं तो सब में 4 कॉमन है, इसे काट दो भाई, सीधा ही सी बात है, 4 से कितनी बार, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, या तो 4 5 6 से हम जो है अलग अलग डिवाइड कर दें, 4 5 6 से डिवाइड करके देख लें, तो एक बात बताओ 16 जो है 6 से डिवाइड होगा, जल्दी बताओ 16 जो है 6 से डिवाइड होगा, हटाओ नहीं हो रहा तो 6 से ही होगा, हाँ होगा 6 से ही होगा, ये भी नहीं होगा 6 से ही होगा, हाँ मतलब इन दोनों में से अब कोई आंसर है, ठीक है 5 से हो रही है दोनों, ठीक है 4 से देखिएगा, 4 नेम 36, 4 से भी ये हो रही है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला क्या, क्वेश्चन ने बोला वह सबसे छोटी, क्वेश्चन ने एक बात ध्यान रखना क्या बोला है वो ध्यान से सुनना, तो क्वेश्चन बोला सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो इन सब में सबसे छोटी जो कि पूर्ण वर्ग बन जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, बस हो गया, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी होगी ना, 3600 के आगे आंसर क्या हो जाएगा, 3600 करेक्ट आंसर,
अगर आप इसे 6 से डिवाइड करोगे तो भी हो जाएगी, 5 से डिवाइड करोगे तो भी हो जाएगी, या फिर आप एक काम कर सकते हो इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 3 × 4 = 12, मतलब 120। 120 क्या हो जाएगा एलसीएम, और इस एलसीएम से इन तीनों को डिवाइड, इन सबको डिवाइड करके चेक कर लीजिए, जो संख्या पूरी तरह डिवाइड हो जाए और सबसे छोटी हो वो हमारा एग्जैक्टली आंसर होगा। इस 120 से ये भी विभाजित होगी, ये भी विभाजित होगी, तो इसका मतलब ये है कि इनमें से छोटी कौन सी, छोटी है भाई 3600, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा इसका जो कि सेकेंड। ठीक है, चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। 56 को देखते हैं क्या दिया हुआ है, किस प्रकार से सॉल्व करना है, सीखते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, क्वेश्चन ने बोला है जो कि आपका डाउट्स है, चलो देख लेते हैं। 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ है, वर्गों का योग दिया हुआ है, ध्यान से सुनना कितना है, 365 है, तदनुसार उन संख्याओं का योग कितना है। अब देखो यहाँ पर अगर आप चाहो तो ये करने को आप इजी भी कर सकते हो, थोड़ा सा माइंड का यूज़ करो तो, और करने को आप इसे लेंथी भी ले जा सकते हो। ठीक है, दोनों मेथड से करा देता हूँ, या फिर आपको जो बेस्ट है उससे करा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, या फिर आप उससे भी कर सकते हो जो आपकी बुक के पीछे लिखा हुआ है। चलो तो देखते हैं, उसने बोला है 3 क्रमागत संख्या वर्गों का योग हमें पता है, तो मतलब 3 संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 360 कितना दिया हुआ है, 3 संख्याओं के वर्गों का योग है 365। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं 3 से भाग कर दूं तो ये कहाँ पहुँचेगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 1 का मान निकालेंगे तो 3 से डिवाइड कर दो, 365, कोई दिक्कत नहीं, पूरा नहीं जाएगा। देख लेते हैं कितना जाता है, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 6,
है, कितने के पास जाना है, अदरवाइज कुछ चेक नहीं करना। तो ये किसके नियर है भाई, सिर्फ पास में देखना है 121। तो 121 के आसपास जितने भी वर्ग है, जितने भी आपको वर्ग पता है सब उठा लो भाई। तो मैं उठाना स्टार्ट करता हूँ कहाँ से, 121 के पास में। तो सबसे पहले 9 उठा लो, 10 से देख लो, 10 जा 100 जो कि इसके पास है, 11 जा 121 एंड हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 जा 144। अब ये देखो भाई 121 के पास में निकल के आए, इसका मतलब ये है ये सेंटर वाली वैल्यू होगी, ठीक है। या फिर आप चेक कर लीजिए क्वेश्चन ने क्या बोला है, इन तीनों का वर्गों का योग, इन तीनों के वर्गों का योग कितना होना चाहिए भाई, 365 होना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन ने क्या बोला है, तीनों लगातार होनी चाहिए, लगातार हैं भाई। और इन तीनों का अंकों का योग हमसे पूछा था, दोनों सर उन संख्याओं का योग क्या, तो उन संख्याओं का योग निकालना है तो जोड़ लेंगे, 2 3 33 हो गए अभी, लेकिन सेटिस्फाई नहीं है क्वेश्चन, आप इसका वर्क करके देखिएगा, ठीक है। अभी सेटिस्फाई नहीं है क्वेश्चन, इनके वर्ग अगर हम करेंगे, अगर 365 आता तो बिल्कुल करेक्ट है। तो 10 जा कितना हो जाएगा 100 प्लस 11 जा 121 एंड ये हो जाएगा हमारा 144, प्लस करेंगे 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 5 6 हो जाएगा एंड 123 हो जाएगा, तो 365। तो मतलब इसका ये कि ये तीनों संख्या बिल्कुल सही है, ये तीनों संख्या बिल्कुल सही है। और हमसे पूछा गया इनका योग, तो योग कितना हो जाएगा 33, तो ये हमारा आंसर हो गया, समझ गए। तो यहाँ पे तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये क्वेश्चन उनके लिए इजी रहेगा जो कि एवरेज कर चुके हैं, ठीक है। एवरेज में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसी मेथड से या फिर इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, अगर आप डिटेल में करना चाहते हो तो डिटेल में देख लेते हैं एक बार, चलो देखते हैं इसी क्वेश्चन को डिटेल में। उसमें आपको संख्या लेनी पड़ेगी और संख्या लेने के बाद बीच वाली संख्या निकल आएगी और उसके बाद अड़ोस पड़ोस की निकाल लेंगे। तो मतलब ये है कि मैं एक संख्या अगर मैं मान लूँ x, तो ये हो जाएगी x-1 और ये हो जाएगी x+1, ठीक है। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, और ये क्या बोला है, इनका वर्गों का योग बोला है, तो इसके वर्गों का योग, इसके वर्गों का योग, इसके वर्गों का योग कितना है 365, यही तो क्वेश्चन बोल रहा है। मैंने बीच वाली x मानी, इससे एक कम, क्योंकि तीनों लगातार है, लगातार है। देखो अगर x की वैल्यू अगर आप 10 रखोगे तो ये हो जाएगी 9 और ये हो जाएगी कितनी 11, तो 9 10 11 इस तरीके से रखते हैं, सीरीज बन गई और उनके वर्गों का योग है 365। अब क्या करना है, x-1 का होल स्क्वायर ओपन करना है, तो यहाँ पे ओपन करेंगे x2, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस माइनस का कितना हो जाएगा 2x, ठीक है, 1 का तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे अब क्या है प्लस है। अब ये सॉल्व करना है, तो ये तो x2 ही रहेगा, प्लस ये कितना हो जाएगा x2 प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 365 है,
ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये 2x है और ये 2x है, तो माइनस का 2x और प्लस का 2x हट गया। अब हमारे पास बचा कितना, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर एंड प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू हो गया कितना 365। एक काम कर दें इसे उधर ले जाए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, 3x स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो कितना हो गया 362 माइनस करेंगे 363। अगर हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे तो 3 से अब भाग कर दें, ये 2 मैंने उधर घटाया तो 3 बचा मतलब 363। अब 3 से भाग दूंगा तो कितना बचेगा 3 एकम 3 3 दो नीचे 3 एकम 3, तो x स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई 121, तो मतलब ये x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 11। x की वैल्यू 11 निकल आई मतलब x कौन सी थी, ये मिडिल वाली वैल्यू है, जो कि कौन सी है, मिडिल वाली वैल्यू है मतलब मध्य वाली वैल्यू है, मध्य मतलब सेंटर वाली वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, जब सेंटर वाली आ गई तो नेक्स्ट वैल्यू कौन सी होगी, इससे नेक्स्ट वैल्यू होगी 12 और इससे पीछे वाली वैल्यू कौन सी होगी 10 होगी। अगर आप चाहो तो वैल्यू पुट कर लो x में x प्लस 1 x माइनस 1, तो तीनों संख्या कौन सी है 10 11 12, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके ऊपर है आपको टाइम सेव करना है या फिर वेस्ट करना है। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, इन तीनों का योग करेंगे, 10 11 12 का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 और 33 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर संख्या पूछता तो 10 11 12 संख्याओं का योग पूछा तो ये, और संख्याओं को गुणनफल पूछता तो इन तीनों में गुणा कर देते हैं। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल इजी क्वेश्चन है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इसका 59 है ना 56, तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर, 57 की कहानी देखते हैं क्या दिया हुआ है, किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है सीख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल मेथड से। ओके, बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर सीखना चाहते हो पढ़ना चाहते हो तो स्टार्टिंग से कंप्लीट देखिए बेसिक के साथ, जिससे कि सारी क्लियर, सारे पॉइंट आपके क्लियर रहे हैं। 57 देखिए, 57 क्या बोल रहे हैं, धन पूर्णांकों के युग्मों की संख्या जिनके वर्गों का अंतर हमें गिवन है 45, जिनके वर्गों का अंतर, तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है 45। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है, एक बार होता है एक्स माइनस वाई। अब देखो इज इक्वल टू कितना है 45 है, कुछ नहीं करना है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू मान लो एक्स माइनस वाई, हमें तो सिर्फ 45 के फैक्टर देखने, अदरवाइज हमें किसी से कोई मतलब नहीं है भाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, पहला हो जाएगा 45 × 45 एकम 45 हो गया, दूसरा हो जाएगा 15 × 15 = 45 एंड तीसरा हो जाएगा 95 = 45। याद रखना ये योग है, तो मतलब योग बड़े ही रहनी चाहिए और ये कमी रहना चाहिए, तो हमारे कितने योग में संभव कितने युग में, मतलब तीन पेयर बन सकते हैं, बस ये हमारा आंसर हो गया और कुछ नहीं है। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल है, इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं नंबर सिस्टम के अंदर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, जिसमें दिया हुआ है 3, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, बस इसके फैक्टर करने, अदरवाइज कुछ नहीं करना है। चलो फिर हम चलते क्वेश्चन नंबर 58 की ओर, 58 की कहानी देखते हैं किस प्रकार से हमें सॉल्व करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, चार अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग भी है, मतलब चार अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है 9999। अब देखो मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगा कि जब भी कभी 9999 हो या फिर आपसे मैं बात करूँ 199 एंड 99, ठीक है, या फिर ये केस आपको दिया गया हो या फिर बोल सकता है क्वेश्चन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि चार अंकों वाली, छः अंकों वाली या फिर आठ अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, क्वेश्चन का है, कौन सी है जो पूर्ण वर्ग भी है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना। देखो अभी क्वेश्चन ने पूछा ये, अगर ये पूछेगा तो हमें निकालना क्या होगा वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हमें यहाँ पे निकालना है कितने का वर्ग, यहाँ पे निकालना है 1 2 3 का वर्ग, कितने का, इतने का वर्ग। अगर ये पूछे कि आठ अंकों वाली ऐसी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग हो, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, तो कितने यहाँ पे नौ के फाइंड करना, 1 2 3 4, तो इसका स्क्वायर अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर है तो मतलब ये कहने का मतलब ये है जितने नौ दिए गए हैं उसके आधे, ठीक है, उसके आधे अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 99 का स्क्वायर। 99 का स्क्वायर सॉल्व करने के लिए देखो मैंने आपको बताया था बेसिक में कि 100 से कितना कम है, एक कम है, एक का वर्ग कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। 100 से कितना कम है, एक कम है, एक घटा दो जी तो कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा,
तो चार अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या जो कि होगी हमारा एक्यूरेट वर्ग 9801। इसी तरह से क्वेश्चन अगर 6 अंक वाली बोलता तो हम इसका वर्ग निकालते, अगर 8 अंक वाली बोलते तो इसका वर्ग निकालते। अदरवाइज आप चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे 9999 रख के एंड पेयरिंग कर लीजिए तो यहाँ पे देखिए कितने से कर दूँ, 9981, 9981 हो जाता, 81 के बाद बचता कितना यहाँ पे 8190, मतलब 99 18 बच जाता, 1800 यहाँ पे कितना हो जाता 99। अब क्या करेंगे, दोबारा 99 कितना हो गया 18 हो गया, यहाँ पर ले लेते हैं 9, यहाँ पे भी 9 ले लेते हैं, तो 9981 8 कैरी, 8 नाम 72, 72 और 8 80 की 8, ठीक है, 9 एकम 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, यहाँ पे देखेंगे तो 9 में से 0 9 बचे, यहाँ पे देखेंगे तो 1 बचा और यहाँ पे कुछ नहीं, तो मतलब 198 बच रहा है। तो इसका मतलब ये 99 का वर्ग जो हो जाएगा वो इससे घटाने पर, ये जो पार्ट है ना ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये क्या पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट है, तो 99 के वर्ग में ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसे मैं इसमें से घटा दूँ तो 9999 में से माइनस कर दूँ 198, तो माइनस करूँगा कितना बचेगा 1089, तो 9801। तो यहाँ पे माता पच्ची करने से अच्छा है कि आपको मैंने ये बता दिया, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों से आंसर सेम आएगा। अगर आपको वर्ग नहीं निकालना है तो बेसिक देखिए तो आप सीख जाओगे, ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल है, इजी क्वेश्चन है। तो 9801 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, फटाफट से नोट कीजिएगा। तो समझ गए, बोलो हाँ, लाइक ठोक दो, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, उससे तो हमें ताकत मिलती है कि नहीं, तो आप अगर एनर्जी नहीं दोगे तो हम कहाँ से भरेंगे, तो बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, बाकी तो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए हमें कैसे करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, 59 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 3, अंतर हमें गिवन है, तो मतलब x माइनस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला, उनके वर्गों का योग पता है, तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है हमें कितनी 369, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, तो हमें फाइंड आउट करना है एक्स प्लस वाई की वैल्यू, ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास है क्या क्या, हमारे पास x माइनस वाई है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि x माइनस वाई हमें गिवन है, होल स्क्वायर क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ से मुझे मिलेगा क्या ab, या फिर बोल सकते हैं 2ab मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले x माइनस वाई कितना है 3 है, 3 त्रिका 9 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये कितना है 369 है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 369 हो जाएगा, माइनस का है 2ab, यहाँ से इसे इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का बचेगा 360 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2ab। एक बात बताओ जी, इस माइनस से ये माइनस काट दूँ तो यहाँ से ये हटाई देता हूँ मैं, ठीक है, तो मतलब ये निकल के आया कि 2ab की वैल्यू कितनी है भाई, 2ab की वैल्यू यहाँ पे देखो, ये 2ab नहीं एक्स वाई है, ठीक है, ये एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिया था इसलिए एक्स वाई हो जाएगा, अगर a माइनस बी लेते तो फिर ए बी रहता, ओके। तो यहाँ पे मैंने देखा 2xy की वैल्यू हो गई 360, अब क्या करना है, अब आपको करना है हमारे पास क्या क्या निकल के आ गया, अब देखो ये मल्टीप्लाई है मेरे पास, अंतर भी है मेरे पास और इसका भी ये भी है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर लगा देते हैं दोबारा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab 2xy, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या 2xy की वैल्यू पता है, हाँ जी बिल्कुल, 2xy इक्वल टू कितना है 360 है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ बिल्कुल पता है कितना है 369 है, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 का 9 हो जाएगा, 6 6 12 की 2 हो जाएगी, 1 कैरी हो जाएगी, 729 हो जाएगा, 729 कितने का होता है भाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, अगर स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या होगा रूट लग जाएगा, यहाँ पे 729 होता है 27 का, और ये हमारा क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर, क्यों, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 27, यही तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा है, फटाफट से नोट कीजिएगा 27 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मैंने क्या किया, मेरे पास ये दो चीज़ गिवन थी, इससे पहले मैंने निकाला 2xy की वैल्यू और 2xy की वैल्यू इसमें पुट कर दी तो हमें मिल गया x प्लस वाई, और कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ईजी है,
और ये तो बिल्कुल भाई 8th 9th 10th 11th उनमें पढ़े हुए हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसलिए यहीं से करना बेटर रहेगा। चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 की ओर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में और किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 60 ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन, सारे ईजी क्वेश्चन है, समझ में आ गई तो ईजी, ना समझ में आई तो टफ। देखते हैं ये क्वेश्चन समझ में आता है कि नहीं। दो धनात्मक पूर्णांकों का योग दिया हुआ है 80 और उनका अंतर है 20, तो यहाँ पे दो संख्याओं का योग है, सीधी सी बात है x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो अब हमसे पूछा है संख्या, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 और 20 जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा बट्टे में 2, मतलब x की वैल्यू निकल के आ गई 50। y की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो y कितना हो जाएगा, इनके बीच में अंतर देखो, अंतर कितने का भाई 60 का है, बट्टे में हो जाएगा 2 2 3 6, मतलब 30 हो जाएगा। तो ये 30 हो गया, ये 50 हो गया, लेकिन क्वेश्चन बोल क्या रहे, इन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा भाई, 25 दो जीरो चिपका दो, इसका वर्ग 3 3 9 दो जीरो चिपका दो। अब इनके बीच में अंतर पूछा है तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, 900 माइनस कर देंगे, 900 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1600, 25 में से 9 गई तो 16 और दो जीरो की दो जीरो चिपका दो तो कितना हो जाएगा, 1600 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर योग पूछता तो इन दोनों को जोड़ देते 3400 आंसर होता, लेकिन अभी इस केस में हमसे अंतर पूछा तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल ईजी क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, और अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को वॉच कर रहे हो तो प्लीज़ रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। चलते हैं, बाय, टेक केयर।